एक एक भरत की कहानी है। इस ये ठाकुर के दरबार से जुड़े मात्र 5 साल हुए और इसने वैसे तो सबको पता है भाई साहब, सब लेने ही जाते हैं यहाँ पे, है ना। जो ठाकुर 50 रुपए के प्रसाद में भी 5 लाख का चेक पास करता है, मात्र 50 रुपए के प्रसाद में जो 5 लाख का 5 करोड़ का भी चेक पास कर सकता है, उससे और क्या मांग सकते हैं हम लोग, है ना। शाम में मिली कहानी कि कोई मुसीबतों में पहचानता नहीं था, क्योंकि सब पूछोगे आप कहते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, इतना ध्यान रखना पैसा खत्म कहानी, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी ये ठाकुर नहीं पूछता आपकी जेब में 1 रुपए 10 रुपए या 100 रुपए है, पहले भी देता था, आज भी देता है और कल भी देता रहता है। जय हो। कि मैं कौन था कहां था कोई जानता नहीं था, और अरे कोई मुसीबतों में पहचान, अरे अपना बना के रोने। देखो भाई जिसको ठाकुर ने अपना बनाया वही वो, अरे अपना बना के रोने, अपना रोने क्या, अरे अपना बना के रोने, बदल दी। देखो जिसकी दुनिया ठाकुर ने बदली है आगे से लेके पीछे तक, जरा कोई हाथ नीचे मत रखना, ये ठाकुर की सेवा में हाथ उठे, बोले खाटू नरेश की जय हो। Thank you.
की खाओ हाजिरी बिकी बजाओ। और हम तो राजस्थानी लोग हैं साहब, हम हाजिरी बजाने से भी नहीं डरते और खाने से भी नहीं डरते। बोलो ना एक बार, अरे जलवा दिखा के तूने, जलवा दिखा के तूने। और सचमुच मुंद्रा जी और जितने हमारे सभी शाम के दीवाने परिवार के सभी सदस्य हैं, सचमुच ये पहली बार नागपुर में हाजिरी लगाने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैंने पहले कह दिया, बार बार कह के आपको लगेगा मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भक्ति मैंने आज बाबा के भक्तों की यहाँ देखी ना, हम लोग तो क्या रूम में बैठे रहते हैं भैया, जब नंबर आता है तब आते हैं। लेकिन आज जो आनंद आया, क्योंकि मेरे बड़े भैया प्रवेश भैया से मेरा बहुत लगाव है, उनके भजनों को सुन सुनकर ही हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। रोहित भैया, मैं, पंकज भैया, हमारे शिवम भैया, है ना, आओ दरबार में चले। क्योंकि इस दरबार की एक महानता है, जैसे कोरोना काल का सबने जिक्र किया, लेकिन कोरोना काल में इस ठाकुर ने जो मुझे परिचय दिया है ना, वो शायद ही किसी को दिया होगा। आपको भी दिया है, लेकिन सुनना मेरा क्या दिया है, मैं सुनाता हूँ आपको। बोलते चिड़बार की जब लॉकडाउन लगा, हम ठाकुर के दरबार में पहुंचे, ठाकुर नगरी में, और ठाकुर से कहा कि छोटी सी अर्जी हम करते हैं सरकार, अरे तेरे जन्मदिन से पहले खुल जाए तेरा द्वार। जय हो, जय हो, जय हो, क्या बात है। सचमुच लॉकडाउन में ये भजन बाबा जी की कृपा से मुझे गाने का बड़ा प्रेरणा हुआ। मेरे बड़े भैया ने सच में झाड़ के इस भजन को लिखा, और बाबा जी की कृपा से बाबा के आने ने भक्तों ने क्या पता अपने दिल से इस भजन को गाया और कह दिया बाबा से कि नियम हमारा बाबा टूट ही न जाए, ये कार्तिकीय अर्ज हमसे छूट ही न जाए। अरे तेरे जन्मदिन से पहले खुल जाए खटोला। और भैया सचमुच कहता हूँ, क्या पता अर्जी कहाँ लगी, किसने गाई, और बाबा का मंदिर खुला। मंदिर खुलने के बाद दर्शन को गए और ठाकुर से कह दिया कि छोटी सी ये अर्जी सुन ली तुमने सरकार, छोटी सी ये अर्जी सुन ली तुमने। ताला हो बड़ा नहीं होगा तेरे मंदिर पे ताला, भूल नहीं पाएंगे
हर जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार, जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार। छोटी सी ये अर्जी सुन ली तुमने सरकार, छोटी सी ये अर्जी सुन ली तुमने सरकार, जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार, जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार। अरे जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार, जन्म दिवस के पहले ही खोल दिया दरबार। Yeah.
दे दिया, बस एक रचना और आपके उसके बाद में दे दिया, और सारे जितने सभी भाई हैं हमारे कृष्ण भैया भाई जी बैठे हैं। प्रदीप भैया, प्रदीप भैया, मैं एक विशेष आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी पटनागढ़ से सुन रहा हूँ भैया को, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना आनंद आ रहा है इनके जो भाव है, वाकई में चाहता हूँ जोरदार ताली बजाना। देखिए बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े कलाकार चले गए, हम जैसे और आएंगे, हमारे पास कोई और आएगा, लेकिन भाव जो है ना, भाव का आनंद कुछ और रहता है, इनके चेहरे में भाव दिखता है। ये हारे नहीं है, ये इनके नाम के आगे में हारे लगा दी है, लेकिन मैं बाबा के सामने इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ, ये हार कर जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। बड़े सुंदर भाव गोपाल जी के पास जोरदार ताली बजाएंगे सब लोग। पूरी सच्ची भावना की जय हो। एक्चुअली क्या होता है, ये पता है आपको कि जो एरिया वाले होते हैं वो तो थोड़ा थोड़ा कटड़ा पड़ता है, लेकिन ये बाबा का दरबार है, यहाँ पर इतना प्यार मिलता है। एक छोटी सी रचना मुझे बड़ी पसंद है, आप सबके बीच सुनाता हूँ। पूरी सच्ची भावना की जय हो। कर्म भाई की खिचड़ी वाली बात सबको पता होगी, है ना? आओ उस भाव में चलते हैं। एक अलग रचना थोड़ी बहुत शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन सुनाने की कोशिश करता हूँ। मनीष जी थोड़ा साथ निभा दीजिए, मनीष जी कला को बहुत बड़े नहीं गाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ही आ रही है। सच्चे दरबार की जय हो। अभी अगली बार में कला भवन में भी बाबा की कृपा से बता दीजिए, लगा हुआ बड़ी बात। बोल सच्चे दरबार की जय हो। के थारी भर कर आए खिचड़ो और ऊपर की बात की, अरे जी मोहन सोनी जी मामे बेटी सबको बता बड़े बड़े नए नए सिंगार ठाकुर जी के करते, बड़े बड़े वहां पर पोशाक सजाई जाती, कर्मा रात दिन रात दिन रात दिन सुनकर बाबा जी की सारी अर्चना को देखते रहती। 8 वर्ष की कर्मा सारे पंडित जी ने, पंडित जी को एक बार किसी काम के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, पंडित जी ने किसी को भी नहीं कहा कि आपको इस मंदिर की रखवाली करनी है ना, लेकिन 8 वर्ष की कर्मा को कहा कि बेटा क्या तू मंदिर की रखवाली कर लेगी, ठाकुर को भोग लगा देगी? उस 8 वर्ष की बालिका ने आव दिखाना था और ठाकुर से कह दी, बाबा जी से कह दिया, हाँ बाबा जी मैं जरूर लगा दूंगी। आओ रचना को शुरू करते हैं, आइए मनीष भी आशीर्वाद दीजिएगा। जय जय श्री कर्मा ने
गाना गाया ठाकुर के सामने रख दिया रोगी हरी भज कर तेरी पीछ रो वैली पाठ की धीमो मारा शमदनी जिमा में बेड़ी काट की हरी भज कर तेरी पीछ रो वैली
क्षमा याचना करने लगी ठाकुर। अरे पढ़ तो भूल गई सांवरिया, अरे पढ़ तो भूल गई सांवरिया, पढ़ तो फेर लगायो जी, पढ़ तो भूल गई सांवरिया, पढ़ तो फेर लगायो जी। ना बड़ियारी ओठ बैठ कर शाम की चिड़ो खायो जी, था बड़ियारी बेटी जाटी, धीमो मारा शंख धरे, धीमावे बेटी
लखन मामा मेरी जात की जी मावे मेरी जात दुनिया से क्या मांगे